गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज गौरव एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माई चैनल। सो आप जो सामने देख रहे हो पैशन एक्सटेक, इसका हम लोग आज टेस्ट राइड करने वाले हैं। इसका वॉक अराउंड वीडियो मैंने शूट कर लिया है, वो भी आज नहीं तो कल चैनल पे लाइव हो जाएगा। तो आज इसका टेस्ट राइड करते, देखते गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हुए और इसका टेस्ट राइड फीडबैक भी मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तो वीडियो में आगे बने रहिए, इसको स्टार्ट करते अभी। कुछ ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो वीडियो में मैंने पूरे डिटेल्स में बताया है। अभी इसको स्टार्ट करते देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। इंजन में काफ़ी रिफाइनमेंट है पहले वाला जो पैशन प्रो का मॉडल आता था उससे। पावर भी अच्छी खासी है क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने इंजन में चेंजेस किए हुए हैं, तो उसके वजह से जो मैं भी गियर रेशो में भी चेंजेस किए रहेंगे, तो पावर काफ़ी अच्छी लग रही है और इंजन का रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है और ब्रेकिंग भी 110 सीसी के मुकाबले ब्रेकिंग भी अच्छी खासी है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मीटर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है इसमें, तो इसमें अभी तो मैं सिटी में चला रहा हूँ, इसके लिए ज़्यादा समझेगा नहीं कि हाई स्पीड में क्या परफॉर्मेंस है गाड़ी का। तो हम लोग तो चार गियर इसमें गाड़ी में आ रहे हैं, तो चारों गियर में चला के देख लेंगे कि परफॉर्मेंस क्या मिल रहा है। बाय द वे इसमें आपको RTM भी मिल रहा है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, तो वो भी चेक करेंगे कि कौन से गियर पर गाड़ी कितना माइलेज दे रही है। एक बार इसको न्यूट्रल कर लेते हैं, अभी न्यूट्रल में है, अभी इसको फर्स्ट गियर में डाल देंगे। सो यहाँ पे ऊपर ब्रिज पे चलते हैं, ब्रिज पे थोड़ा पैच मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसको एक 40-45-50 के आसपास भगा सकते हैं। तो देखते हैं कि इसके स्पीडोमीटर में माइलेज कितना शो कर रहा है। अभी मैं फोर्थ गियर पे हूँ, अभी मैं फोर्थ गियर पे हूँ और गाड़ी का स्पीड लगभग 40 के आसपास है। इसका मुझे एक प्रॉब्लम लग रहा है या कंपनी ने उसमें वैसी बात दी है, क्योंकि इसका जो माइलेज है ना वो बहुत थोड़ा लेट शो हो रहा है। अभी आप देख सकते हो मैं 45 के स्पीड के आसपास हूँ, इस पर अभी माइलेज 46 बता रहा है। थोड़ा मैं मतलब एक गाड़ी स्पीड पकड़ लेगी, अभी 51 का माइलेज इसमें बता रहा है, तो एक 4-5 सेकेंड का डिले है, बट उसको हम लोग प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, वो कैलकुलेशन में उतना 4-5 सेकेंड में भी लगते रहेंगे। तो अभी देखिए मैं अच्छे करके 47-50 के आसपास के स्पीड पे हूँ और मुझे 79 km/h का माइलेज इसमें बता रहा है। तो अगर ये गाड़ी 79 km/h माइलेज अगर सिटी में दे देगी तो इससे बढ़िया बात हीरो के लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि 110 cc का मॉडल है, इंजन का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। इंजन का मेन तो जो पहले मॉडल के कंपैरिजन में, अभी जो नए कस्टमर जो गाड़ी लेंगे उसका कंपैरिजन तो पहले मॉडल के हिसाब से ही करेंगे, बट उसके हिसाब से अभी इंजन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। पहले जो नॉकिंग का साउंड आता था वो अभी ये मॉडल में नहीं आ रहा है मुझे। वैसे चेंजेस तो काफ़ी किए, चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पर दे दिया है, तो ये सारे चेंजेस है और चेंजेस काफ़ी अच्छे किए हैं कंपनी ने। आप ये गाड़ी को अगर सामने से देखेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कि ये 110 सीसी वाला मॉडल है, इसमें जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया है उसके वजह से। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, ब्रेकिंग डेफिनेटली 110 सीसी को ध्यान में रखते हुए ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है और इसका हैंडलिंग भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि सिटी में आप आराम से इसको ड्राइव कर सकते हो। क्लच जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो गियर शिफ्टिंग में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी यहाँ पे सिग्नल लग गया तो रुकना पड़ेगा। सो गाइस, इसमें आपको i3 टेक्नोलॉजी में मिलती है। अभी मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ, सिग्नल छूटने वाला है, क्लच दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो तो सिग्नल छूट गया और ये लोग रुकने का नाम ले रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा खुला पैच मिल जाएगा तो गाड़ी को थोड़ा भगा के चेक करते कि क्या परफॉर्मेंस है इसका।
पावर डिलीवरी भी काफ़ी अच्छी है। और जो सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अभी मैं पिलियन के साथ राइड कर रहा हूँ तो खड्डे वगैरह में भी झटके नहीं लग रहे, मतलब ना के बराबर ही लग रहे, बल्कि पीछे कंपनी ने हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए ना कि नाइट्रॉक्स सस्पेंशन है, तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और बात करें वाइब्रेशन की तो इसको अभी मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, फिर भी वाइब्रेशन बहुत बहुत कम है, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, ऐसे वाइब्रेशन है। तो मतलब ये जो प्रोडक्ट है कंपनी ने काफ़ी उसमें इम्प्रूव किया है। और लुक के मामले में तो लुक में तो 110 सीसी में इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कि जो सेगमेंट हीरो ऑफर, ये सेगमेंट में हीरो ने ये गाड़ी लॉन्च किया है और जो फीचर हीरो ऑफर कर रहा है 110 सीसी में, वो फीचर तो अभी तो कोई गाड़ी में नहीं है मार्केट में। होंडा में इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, टीवीएस में कोई कंपैरिजन नहीं है, इसमें कंपनी ने एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया है, मतलब हीरो एक लेवल आगे की सोच रहा है। काफ़ी अच्छी बात है कंज्यूमर्स के लिए, बिकॉज 110 सीसी में ऐसा प्रोडक्ट कोई कंपनी ने अभी तक लॉन्च नहीं किया था और हीरो ने लॉन्च करके दिखाया है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट, सारे फीचर है, फ्यूल इंडिकेटर आपको इसमें डिजिटल मिल रहा है, और वो भी ऐसा राउंड डायल के शेप में दिया है, तो दिखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और जो आपका जो स्पीडोमीटर है उसमें जो बैकलाइट है वो ब्लू कलर की है, तो गाड़ी को साथ जो अच्छे से मिक्सअप हो रहा है। सो ओवरऑल अगर देखें तो गाड़ी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, टेक्नोलॉजी फीचर्स के मामले में ये गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है, सो उसमें तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं इसका। सस्पेंशन क्वालिटी वो भी बढ़िया है, खड्डे वाले रास्ते में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो सस्पेंशन क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। बचा था ये गाड़ी जो थी वो इंजन के मामले में ही पीछे थी, रिफाइनमेंट के मामले में ही पीछे थी, बट हीरो ने वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। इंजन इसका काफ़ी रिफाइन है। हो सके तो आप भी हीरो के डीलरशिप में, नियरेस्ट डीलरशिप में जाइए, वहाँ पे टेस्ट राइड कीजिए, प्रोडक्ट में काफ़ी दम है भाई। पहले वाले प्रोडक्ट के अगर आप कंपेयर भी करेंगे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हो सके तो नियरेस्ट डीलरशिप में जाके आप इसका टेस्ट राइड ले और इसको ख़रीदने के बारे में आप सोच सकते हो। सो आई होप कि मैंने जो टेस्ट राइड रिव्यू है, मतलब जो डिटेल्स पता लगनी चाहिए थी, जो बेसिक डिटेल जो सारी मैंने कवर कर ली है। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है गाड़ी के मॉडल के रिगार्डिंग, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब डेफिनेटली देता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ़।